हम यहाँ पाइन रिज में हैं, जहाँ लॉर्ड जेड की फोर्सेस ने एक डरावनी जेल बनाई है उन्हें कैद करने के लिए, जो उसे हमारे प्लैनेट पर कब्जा करने से रोकना चाहे। और हमें खबर मिली है कि इस तरह की कई जेलें दुनिया के हर बड़े शहरों में बनाई जा रही हैं। रेंजर्स की टीम्स ने इन प्लैनेट को बचाने की कोशिश की, पर लॉर्ड जेड की फोर्स इतनी शक्तिशाली है कि इस वक्त सारे रेंजर्स भी उसकी कैद में हैं। पाइन रिज में रहने वालों, तुम लोग हिम्मत मत हारना। ये तो मीडिया है, इन्हें पकड़ लो। हियोन, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही था कि अर्थ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जेड की फोर्सेस तबाही मचा रही हैं। मासूम लोग जेल के अंदर हैं और दूसरे पावर रेंजर्स उसके सामने टिक नहीं पा रहे। और हमारी टीम इतनी दूर से उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। तुमने यहाँ टेलीपोर्ट करके बिल्कुल सही फैसला लिया, क्योंकि हम अब भी आजाद हैं। मानता हूँ, और जब हम अपने हमले के लिए तैयार होंगे, जेड को उसकी भनक तक नहीं लगेगी। मेरी गर्लफ्रेंड की सुपर हीरो टीम अर्थ की आखिरी उम्मीद है, क्या बात है। हाँ, बस हमें उस एंटी जॉर्ड फोर्स फील्ड को हराना है। और अगर हम इस बेस को स्पेसशिप में बदल पाए तो ये ये अजीब सा क्या बज रहा है? मेरे ख्याल से ये स्कटल वर्म है। वाओ, ये बहुत बढ़िया है। ये कुछ नया है, इन बेचारे बर्तनों ने इसका क्या बिगाड़ा था। A-T-E, the Emperor of Evil! X-Y, Lord Z, should be illegal! Oh, hey guys! Javi, तुम ठीक तो हो ना? मतलब तुम्हारा वो सॉन्ग अजीब था। क्या हो गया? लॉर्ड जेड बहुत बुरा है और ये चिल्लाकर गाने में मजा आता है। अरे यार, ये मेरा फेवरेट पैनकेक पैन था। आई प्रॉमिस, मैं घर लौटते ही तुम्हें नया खरीदूंगा, टेस्टी लगा तो मैं खा गया। मेटल म्यूजिक में कुछ है जिससे मेरा टेंशन कम हो जाता है। शायद तुम्हारे लिए, पर तुम्हारा म्यूजिक सुनकर हमारे मन में तो अच्छे और प्यारे प्यारे ख्याल नहीं आ रहे हैं। सच में? इतना शोर होने पर हमारा कुछ सोच पाना मुश्किल है। पर मुझे पसंद आया। मैंने 10 तक ड्रम्स बजाना सीखा है, तो मैं जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारा रिदम कमाल का था। थैंक्स वर्न। लगता है मेरा हाथ अब पहले से अच्छा हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी की आदत हो रही है। ओह, मिक है, इसने अभी अभी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है। गुड आफ्टरनून, मैं इस वक्त प्लैनेट एक्राल पर हूँ बचिलिया नेर के साथ, जो CEO है स्प्रिट इंक इंक की। जी हाँ, इस गैलेक्सी की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी। हाँ, वो है, और ये अब हमें उनकी शानदार खोज के बारे में बताने वाली है। हमने एक बहुत ही ताकतवर वॉर वेपन ढूंढ निकाला है, एक विशाल आग। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जोर्ड पूरा गड़ा हुआ है। रीडिंग्स बताती है ये एक्टिव नहीं है। मेरी इज्जत का कचरा मत करो और इसे शुरू करो। उसके बाद हमारा शैतान रेंजर इस जॉर्ड का पायलट बनेगा और लॉर्ड जेड की फोर्सेस और भी ताकतवर हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपने देखा इसे, और अब देखिए इंटरव्यू मॉन्स्टर मेटल बैंड द जॉ स्नैपर से। वो जॉर्ड उस माइनिंग प्लैनेट पर कैसे पहुंच गया? ये कोई आम जॉर्ड नहीं है। मुझे याद है, मैंने जॉर्डिया की पत्थर शिला पर 11 जॉर्ड्स के निशान देखे थे, और उनमें से एक बिल्कुल इस ड्रैगन की तरह दिख रहा था। वो बाकी जॉर्ड से करोड़ों साल पहले बिछड़ गया होगा। मॉन्स्टर्स उस जॉर्ड को एक्टिवेट करके हम पर हमला करेंगे, ये नहीं हो सकता, उन्हें रोकना ही होगा। मुझे ये साजिश लग रही है, ये सही तो नहीं है, पर कोई है जो हमें बाहर निकालने के लिए जाल बिछा सकता है। ओली, तुम सही हो सकती हो, लेकिन अगर वो जॉर्ड असली है तो उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर मैं उस जॉर्ड तक पहुंच सका तो मैं शायद मॉर्फिन मास्टर स्टाफ से उसे एक्टिवेट कर पाऊंगा। पर ये काम तो खतरे से खाली नहीं है, वो जगह बेजिलिया के वर्कर से भरी पड़ी होगी। हमें बस इस बेस को उड़ाना चाहिए। वो सही है जेटो, हम तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहते, वो स्क्विड तुम्हें पूरा चबा डालेंगे। तुम दोनों सही हो, पर वो जॉर्ड शैतान ओली के पास चला गया तो बुरा होगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सोचना है कि कैसे। ब्रो, पता है तुम मुझे डैड के बाथरूम सिंगिंग की याद दिला रहे हो, मेरा ध्यान मत भटकाओ। ध्यान भटकाना? हे, हम एक मेटल बैंड बनाते हैं। तुम ठीक तो हो ना हावी? मैं तुम्हारे लिए एक कप बढ़िया हॉट चॉकलेट लेकर आऊं। रुको, मैं इसकी बात समझ गई। उस इंटरव्यूअर ने मॉन्स्टर बैंड की बात की थी,
तो उन्हें म्यूजिक पसंद है, शायद बैंड से बजीलिया वर्कर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। देखा, फर्न समझ गई। इस तरह तुम चुपके से जॉर्ड तक पहुंच सकते हो जब मॉन्स्टर्स हमारे म्यूजिक का मजा ले रहे होंगे। आइडिया अच्छा है, लेकिन ओली तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा। हाँ, हो सकता है। अगर भेस बदल ले तो शायद मेरे पुराने क्राफ्ट प्रोजेक्ट आखिर किसी काम तो आ सकते हैं। हाँ, इससे काम बन सकता है। रुको रुको, ओली शैतान बन गया है, पर मुझे यकीन है कि वो अब भी गिन सकता है। अगर वो हमें पहचान गया तो वो समझ जाएगा हम में से एक कम है और वो सीधे जॉर्ड की तरफ जाएगा। मैं भूली नहीं, इसे मेरा ऑडिशन समझ लो। बहुत सही, तुम बैंड में हो, मुश्किल हल। नहीं नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को बैंड में लेकर उसे खतरनाक शैतानों से भरे प्लैनेट पर भेजना चाहते हो? मुश्किल हल नहीं हुई। बेब, तुम्हारी टीम के सामने मुश्किल है। सिर्फ हावी और मैं हैं जिन्हें इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है। बस यही रास्ता है, मैं अपना ध्यान रखूंगी और तुम सब हो ना मेरे पास, है ना? ठीक है, तुम सही हो हमेशा की तरह, पर इस बात का ध्यान रहे मैं इससे खुश नहीं हूँ। और बाकी सब काम होने तक बजाने का नाटक करना। तुम्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाना है? भूलना मत गाइस, शैतान की आवाज निकालना। और फर्न, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बात करना। हाँ समझ गई। हम पहुँच गए, हमारा गाना हिट होगा। बिल्कुल, हमारे बैंड का नाम क्या है? रुको, तुम सब कौन हो? आओ। हम बैंड है और बैंड का नाम है मीट क्रो। मिसेस नेयर ने वर्कर्स के लिए कॉन्सर्ट रखा है। हाँ। क्योंकि उनकी वजह से जॉर्ड मिला। एक कॉन्सर्ट, वाह, बजीलिया ने पहले कभी हमें पार्टी नहीं दी। मेरी मोटर को घुमाने के लिए मॉन्स्टर मेटल से बढ़िया कुछ नहीं। तुम वहाँ काम पे लगो, वो उठाओ ताकि मुझे ना उठाना पड़े। सब सेट है, तुम तैयार हो? टेस्टिंग। हेलो वर्कर्स, मेरे पास आओ क्योंकि आज का दिन हम तुम्हारे लिए बनाएंगे रंगीन। हम मीट क्रोम है और ये गाना तुम्हारे लिए है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम इस बैंड का ऑटोग्राफ लेना भूल गए। ये जोर अब भी एक्टिव नहीं हुआ, पर इसे देखो, ये किसी तरह के लेजर ब्लास्टिंग सिस्टम का हिस्सा है जो मुझे जॉर्ड के पास मिला। ये जॉर्ड करोड़ों साल पहले जंग में शामिल था। ये जंग हार गया और हमारे इसे ढूंढने तक ये यही सालों तक दफन रहा। कितनी बेवकूफ है वो। कौन? बजीलिया। उसे इंटरगैलेक्टिक टीवी पर जॉर्ड के बारे में मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? अब वो अपने स्क्विडल में चैन से ड्रिंक कर रही है और इस बीच रेंजर्स किसी भी वक्त इस जॉर्ड को चुराने के लिए यहाँ आ सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर वो यहाँ आए तो मैं उन्हें एक बढ़िया सरप्राइज दूंगा। वैसे मेरे लिए काम करना आसान होगा अगर यह इतना शोर ना हो। hey, क्या मैं फ्री हो के बजीलिया के कॉन्सर्ट में जा सकता हूँ? कितना मजा आएगा। अच्छी, एक सीईओ कभी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, यहीं रुकना। और मैं तो आ सकता हूँ ना। ये रेंजर्स ही हैं
ओहो, हे दोस्त। हे, ये रेंजर है, ये सब रेंजर्स हैं, सेंटिनल्स। लिंक टू मॉर्फिन ग्रिड। नए नए हथियार लेकर आए हो ना, अब मैं तुम्हें दिखाऊं। लगता है किसी को हमारे हथियारों से जलन होती है। बेचारा ओली इसके सामने टिक नहीं सकता। मेरे ट्राइसेरा ब्लास्टर के सामने तुम्हारे हथियार खिलौने। देखा? फर्न, नीचे झुको। कम ऑन। ये इंसान तो हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हमारे अलावा। It's morphin time. Cosmic orb. Into morphin grid. हमारी तारीफ तो करो। सेंटिनल्स, इन्हें छोड़ना मत। बहुत बढ़िया। ओ ये क्या? अब तुम्हारी बारी। चूक गए। थोड़े साल और प्रैक्टिस कर लो और फिर तुम्हारा निशाना बिल्कुल मेरे जैसा होगा। बकवास बंद करो। ओके, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। वो कौन है? कहाँ, मेरा मतलब कोई नहीं। शायद मुझे पता है, जेटो। हे, क्या हुआ, मुझे हराओगे नहीं? क्या हुआ तुम्हें जेटो? पेड़ में छुपकर कमजोर हो गए हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहाँ? मुझे पता है। बर्न, मैं ठीक हूँ। उस जॉर्ड से दूर रहो। तुमने देर कर दी ओली। यप, ये हुई ना बात। चलिए अब देखते हैं कि इस ड्रैगन से हम क्या कर सकते हैं। ये क्या है ओली? स्क्रोजल इतना बुरा है, अगली बार इसे बांधने से पहले मुझसे पूछ लेना। ये मैंने नहीं किया, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रेंजर्स यहाँ आ गए। अब तो तुम मानोगी कि मैंने सही कहा था, क्योंकि मैं सुबह से उनके इंतजार में था। इतनी भी क्या जल्दी? जॉर्ड मून से आगे निकलने वाला है, समझेगा? उसके एक्चुअल ऑर्बिट से बाहर जाने से पहले उसे बर्बाद कर दो। मैं अपनी स्क्विड्रिल के बाकी काम संभालती हूँ, क्योंकि आखिरकार बाकी के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। कोई जाकर स्क्रोजल को निकालो। लगता है मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ठीक है, मुझे भी मेहमान नवाजी पसंद है। कॉस्मिक ड्रैगन फायर। टीम, वहां उन सबको खत्म करने के बाद तुम सब एक साथ यहां पर आ जाना, ठीक है? इनसे निपट कर तुम्हारे पास आते हैं। मोसेस फ्लैश, मुझे इस बैंड से नफरत है। वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हमें इस काम के काम पैसे मिलते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। फर्न, फर्न, तुम्हारा हाथ कैसा है? तुम्हें चोट आई? मुझे पक्का स्टिचेस लगने वाले हैं। ओह नो, किसी के पास फर्स्ट एड किट है? मेरा मतलब इसे सीलने के लिए। फ
फर्न, ये मजाक नहीं है। क्या मजाक था? बस भी करो हावी। नहीं, बस हो गया, हमें जेटो की मदद करनी है, याद आया? मतलब मैं फिर से जोर्ड में जा सकती हूँ, है ना? हाँ, तुम मेरे साथ चलोगी, हम हमेशा साथ रहेंगे। जोर्ड पावर नाउ। बढ़िया शॉट था। ये हुई ना बात। कॉस्मिक ड्रैगन चार्ज। ये क्या? ये तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। वो मेरा जॉर्ड है। अब तुमसे भी लड़ना पड़ेगा। हे जेटो, तुमने कमाल किया, पर इसे हम खत्म करते हैं। ठीक है, तुम लोग इसे सबक सिखाओ, पर जरा संभल कर। कॉस्मिक फ्यूरी मेगाजॉर्ड रेडी। इससे पहले कि बजीलिया और स्क्विड्रिल्स को बुलाए, हमें इसे खत्म करना होगा। फर्न, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं मेगाजॉर्ड फाइट देखने वाली हूँ। मैं क्या करूँ? बस कुछ भी छूना मत, यहाँ का हर बटन खतरनाक है। उप्स, इससे क्या होता है? फर्न, तुमने कॉस्मिक वुल्फ जॉर्ड को रिमोटली यहाँ बुला लिया है। उप्स, उसने हमला किया। वाह, तुम बस इतने से ही खुश हो गई? अभी तो हमें आखिरी हमला करना है। कॉस्मिक फ्यूरी मेगाजॉर्ड, कॉस्मिक ड्रैगन मेगाजॉर्ड। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। गुड लक। रुको, मुझे उसकी यही आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी कॉस्मिक मेगाबोल्ट, कॉस्मिक ब्लास्ट। मैंने इससे कूल चीज पहले कभी नहीं की है। हम कॉस्मिक वुल्फ जोर की वजह से जीते हैं ना? हाँ बिल्कुल। क्या बात है जेटो, शायद ये कॉस्मिक ड्रैगन जोर तुम्हारे लिए ही है। हाँ बिल्कुल, पर ओली मुझे देखकर इतना खुश नहीं हुआ। और उसने मेरे लॉर्ड जेट के गाने की तारीफ भी नहीं की, लगा था उसे पसंद आएगा। ओरिजिनल ट्राई करते हैं। मुझे एच ए टी ई है। और फिर सारे मॉन्स्टर हमारे साथ गाने लगे। हाँ, हमारा प्लान बिल्कुल सही था। बिल्कुल सही? मुझे पता है हमें जॉर्ड मिला, पर तुम ओली के हमले से बाल बाल बची। पर मैं बच गई, मेरे वहाँ होने से ओली का ध्यान भटका और हमें जॉर्ड मिला, तो सब अच्छा था। आप दोनों को वहाँ होना चाहिए था। होना तो चाहिए था, पर हम यहाँ पर कम बिजी नहीं थे। ये कॉकपिट बनकर तैयार है और हमने नए थ्रस्टर्स लगाए हैं, तो ये कॉस्मिक क्रूजर अपने आखिरी इंजन टेस्ट के लिए तैयार है। अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो हम एरिटिस छोड़कर घर वापस जा सकते हैं। वाओ, आप दोनों बहुत बिजी थे। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थ से एक मैसेज आया है। इसे डीकोड करने में बहुत वक्त लगा, शायद तुम्हें इसे देखना चाहिए। रेंजर्स डैड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज तुम तक पहुँच रहा है, तुम लोग जहाँ भी हो। पहले मेरे पास एक खबर है। अमेलिया, तुम्हारी मॉम दोबारा मॉम बनने वाली है। मुझे यकीन है जल्दी तुम अपनी छोटी बहन से मिलोगी। पर अब भी बहुत सारे लोग जेड की कैद में हैं। इजी और हावी इनमें तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं। खबर है कि फिलहाल वो खतरे से बाहर है, पर जेड कुछ भी कर सकता है। जब से उसकी फोर्सेस ने लोगों को कैद करना शुरू किया, हम खुद को बचाने के रास्ते ढूंढने लगे। रैफकोनियंस और मैं अर्थ को बचाने में लगे हैं। हर तरह के लोग दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा स्पाई उनके बीच में है। सुना है डायनो फ्यूरी रेंजर्स जेड के हमले से बच निकले। तुम्हारे ना आने की वजह लगा एंटी जॉर्ड फोर्स फील्ड। बहुत अच्छे बच्चों। और पता है, हमारे स्पाई को पता चला कि अर्थ का हर स्क्विड्रिल उस फोर्स फील्ड का हिस्सा है। अगर एक स्क्विड्रिल बर्बाद हुआ तो पूरी फील्ड पे असर होगी। हम इस कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इस बात में दम तो है। हमने हमले का प्लान बनाया है, पर हमें तुम्हारी टीम की जरूरत है। अगर हो सके तो हमें इस लाइन पर कांटेक्ट करना, और तुम जो भी करो एक दूसरे का ख्याल रखना। मॉम डैड जेल में कैद है और हमें अभी पता चला। कम से कम अब हम मदद कर सकते हैं। इस प्लेनेट से निकलकर हमें टैरिक को कॉल करना चाहिए।
पर पहले हमें इंजन्स को टेस्ट करना है, तो हमारे पायलट्स किसे बनना है? तुम में से कोई भी इस काम के लायक नहीं है। इसमें मेरी गलती कैसे हुई? मैं 3 घंटे तक मिट्टी के अंदर दबा हुआ था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो स्क्विलिया? तुम्हें तो अर्थ पर कब्जा करने के लिए भेजा था ना मैंने। ओह, मैं वही थी, पर फिर मैंने उस नए जॉर्ड के बारे में सुना। मैंने सोचा उस जॉर्ड के साथ कुछ सेल्फीज लेकर अपने सुपर हॉट नए क्रश को दिखाऊंगी। फिर से कहना स्क्विलिया शार्लिविया नेर, तुम्हारा क्रश है और तुमने अपनी मॉम को नहीं बताया? ये तो किसी सपने की तरह लगता है। इसके गॉगल्स तो देखो। इसके गॉगल्स को देखना बंद करो और जाओ रेंजर्स को ढूंढो। वैसे मैंने उन्हें ढूंढ लिया है और मैं उन्हें मसलने के लिए बेताब हूँ। जरा रुको, ये नया दोस्त कौन है? तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? मैंने कॉस्मिक ड्रैगन जॉर्ड पर ट्रैकर लगाया था और रेंजर्स उस जॉर्ड को एरेडिस प्लैनेट पर ले गए, तो मुझे जो जॉटिक मिला ये एरेडिस प्लैनेट के बारे में सब कुछ जानता है। वो स्कटल वॉर्म्स का घर है, वो किसी को देखते ही उसके टुकड़े कर डालते हैं। कीड़े मकोड़े, मुझे उनके साथ काम नहीं करना। हाँ, ये बोरिंग है, मुझे मेरे क्रश से मिलना है। बाय। तुम एरेडिस के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? ये वही है जिन्होंने मेरी टीम को खत्म कर दिया था और अब मैं उनसे बदला लूंगा। तुम अकेले नहीं जिसे बदला चाहिए, मैं तुम्हें एरेडिस ले चलूंगी। आखिरकार वो मेरा जॉर्ड है जिसे रेंजर्स ने चुराया है। उन रेंजर्स को खत्म करने के बाद हम उनके सारे जॉर्ड्स को चुरा लेंगे। जाओ और जाकर उन सभी रेंजर्स को जड़ से मिटा दो। मेरे साथ आओ, अब आएगा मजा। Ha 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 ha